यार ये बताओ बढ़िया कंपनी का वाटर टैप कौन सा होगा जो मैं घर पे लगवा सकता हूँ, सस्ता भी हो और बढ़िया भी हो। कोई ऐसा कंपनी दिखाओ, और हाँ सस्ता होना चाहिए। अरे काहे परेशान हो यार, एक नंबर क्वालिटी है, कम से कम प्राइस पे, आप परेशान मत होइए। हेलो ग्रेट पीपल, लोकल वर्सेस ओरिजिनल। गाइस देखो, कंपनी में जो आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो सारी सेम ही रहेगी, यानी कि एक ही कंपनी का रहेगा, वो है ग्रेविटी। बस फर्क इतना रहेगा कि इसी में लोकल और ओरिजिनल कुछ नहीं है, रहेगा तो सब ओरिजिनल, बस फर्क कुछ चीज़ों का रहेगा, जैसे कि प्राइस डिफरेंस रहेगा, क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा, डिज़ाइनिंग में डिफरेंस रहेगा और भी कुछ चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो एक टैप आती है एक पार्टिकुलर ब्रांड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटी की, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन कौन से कंपनी, और बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, डाउट हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैंने एक कंपनी चूज़ की है जिसका नाम है ग्रेविटी, और इसी के ऊपर मैं आपको अलग अलग इसके सीरीज़ आते हैं जिन पर मैं आप सभी को डिफरेंस बताऊँगा कि कौन से मतलब लोकल वैरायटी पे रख सकते हो, कौन से ओरिजिनल। देखो यहाँ पे लोकल ओरिजिनल का मेरा मतलब ये है कि प्राइस से, मान लो कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, मान लो कि आपका जो बजट है वो 600 या 700 रुपया है, और बी का बजट है 1500 या 2000 3000 बजट है, उसी टैप होगा इतने में और सेम ब्रांड में, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक, देखो यार लोकल हो या ओरिजिनल हो या बिल्कुल भी बेकार हो, उसमें प्राइस तो मतलब प्राइस तो रहता ही है किसी भी चीज़ का। तो इसमें क्या है ना कि ग्रेविटी में दो टाइप के आते हैं, इसमें दो कलर के डिब्बे भी आते हैं जिनका अनबॉक्सिंग मैंने किया हुआ है, बहुत सारा अनबॉक्सिंग मैंने अलग अलग सीरीज पे कर चुका है, टैप के ऊपर एंगल वॉल कंसील वॉल जितने भी चीज़ आते हैं ज़्यादातर मैंने इनका अनबॉक्सिंग कर दिया है। अगर आपको देखना है तो यार देखो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जाकर देख लेना। इस चैनल पे तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अनदर चैनल है फिटिंग कार्ड, जिसमें मैं अनबॉक्सिंग के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। उसमें मैंने हर अलग चीज़ के काम भी बताए हुए हैं कि कौन का, मान लो कि एक वॉल सर है तो सब क्या काम है, कौन मतलब फुल डिटेल्स मैंने आप सभी को हर एक वीडियो में दी है, तो जाकर देख लो, बेफालतू इस वीडियो में मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो देखो प्राइस डिफरेंस, अब लोकल में धर लो ब्लू कलर का डिब्बा आता है, ब्लू कलर का डिब्बा अगर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग नहीं देखी हुई है तो यार देख लो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो लोकल में धरता हूँ मैं ब्लू कलर का डिब्बा, और ओरिजिनल में धरता हूँ मैं रेड कलर का डिब्बा। ब्लू कलर के डिब्बे में और रेड कलर के डिब्बे में फ़र्क बस इतना है कि सेम कंपनी का है, ग्रेविटी का ब्लू कलर वाला भी है और रेड कलर वाला भी ग्रेविटी कंपनी का है, बस फर्क इतना है जो चार चीज़ें मैं बताऊंगा उसी में फ़र्क है। तो चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है प्राइस का। अब देखो अगर आप ब्लू कलर का लेते हो ग्रेविटी कंपनी का वाटर टैप कंसील्ड या कुछ भी लेते हो एंगल वॉल, तो आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। वही सेम अगर आप लेते हो ग्रेविटी के ब्लू कलर का तो वो आपको मिल सकता है 300 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का, लेकिन अगर आप वही रेड कलर वाले डिब्बे में लेते हो तो वही हो सकता है आपको 500 रुपये का, 800 रुपये का या 1000 रुपये का भी मिल जाए। तो ऐसे कुछ डिफरेंस है इसमें ब्लू कलर वाले में और रेड कलर वाले में, ऐसा क्यों है तो आगे इसी वीडियो में जाएं। नेक्स्ट हमारा बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो है प्राइस डिफरेंस, ओ वेट डिफरेंस। प्राइस तो मैंने बताया आप सभी को, देखो वेट में भी आपको इसमें फ़र्क देखने को मिलने वाला है। अगर आप ब्लू कलर का ग्रेविटी का वाटर टैब एंकल वो आप कंसील काउंट लेते हो तो उसमें आपको जो वेट है वो कंपेयर रेड कलर वाले ग्रेविटी के डिब्बे से आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि रेड कलर वाले डिब्बे में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जैसे कि जो उसका वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। देखो वेट हैवी होने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये नहीं हो जाता कि वो जो टैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक कंपनी की अगर उसके पहचान देखना है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। पहला प्राइस, प्राइस तो चलो छोड़ो, कोई कोई कंपनी होती है कि जो अपने कस्टमर को कम प्राइस पर अच्छा क्वालिटी देना चाहती है, तो प्राइस का तो चलो हटा दो, लेकिन ज़्यादातर तो जो कंपनियाँ होती हैं वो पहला क्वालिटी देती हैं, डिज़ाइन देती हैं और वेट देती हैं। तो वाटर टैप के ऐसे फंडे में ये डिफरेंस है कि अगर आप ग्रेविटी में कोई भी ब्रांड लेने जाते हो जो थोड़ा सा अच्छा ब्रांड है, उसमें आपको वेट तो देखने का मतलब वेट का फर्क तो देखने को जरूर मिलेगा। आप एक लोकल टाइप ले लो, कोई भी कंपनी का ले लो, और एक कजारिया या जॉनसन या ग्रेविटी कंपनी का ही ले लो, तो आपको फर्क अपने आप ही महसूस हो जाएगा। तो इसी में ब्लू कलर वाले में और रेड कलर वाले में भी ये भी डिफरेंस है, लोकल दोनों ही नहीं है ना, ब्लू कलर वाला लोकल है और ना रेड कलर वाला, दोनों ही ओरिजिनल सेम कंपनी के ब्रांड है, बस इन्होंने अलग अलग एक सीरीज निकाल दिया है।
आपके लिए मैं एक सिंपल वर्ड का यूज करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास के लिए और हायर क्लास के लिए, वैसे दोनों ही अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर आप ब्लू कलर वाला लेते हो तो वेट आपको जरूर कम मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, जैसे कि मिनी लॉरेट हो गया, बिग कॉक हो गया, बस ऐसे ही 3-4 सीरीज इसमें हैं और ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, रेड कलर वाले में उसमें कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी है, इसीलिए उनका जो वेट है वो भी कुछ ज़्यादा ही है और उनकी में जो क्वालिटी होती है वो भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस वेट का है। अगर आप ब्लू कलर वाला या रेड कलर वाला लेते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, वो आपको देता है, मान लो आपको डिब्बा नहीं दिखाता लेकिन बताता है कि ग्रेविटी कंपनी का ही है, तो अगर आपके दोनों हाथों में धरता है तो आप अपने हिसाब से या अपने अनुमान से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्लू कलर वाले डिब्बे का है और ये रेड कलर वाले डिब्बे का है। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है वेट का, इसको जरूर ध्यान में रखें।